चल रहा था वीक थ्री। वीक थ्री का आज दूसरा दिन है, ठीक है, दूसरा दिन है और हमने वीक वन वीक टू कंप्लीट कर लिया है, तो ये दूसरा दिन है। तो शुरुआत करते हैं एंटोनिम से, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पहला वर्ड है हमारा फैटर। फैटर का मतलब क्या होता है? बीड़ी डालना या फिर रोक लगाना, है ना, किसी काम में रोक लगाना या फिर बीड़ी डालना। अच्छा, तो अगर ये तो है हमारी वर्ब, ठीक है, ये तो है हमारी वर्ब। अगर ये नाउन होता है ना, इसको नाउन बनाते हैं, ये हो जाएगा फैटर्स। फैटर्स मतलब ये प्लूरल है ना, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। फैटर्स का मतलब होता है बीड़ियां। क्या होता है? बीड़ियां, ठीक है, बीड़ियां। जो किसी प्रिजनर, मतलब कोई प्रिजनर होता है ना, जैसे कोई कैदी, तो उसके पैरों में डालने के लिए, ठीक है, वो बीड़ियां, जैसे आप देख सकते हैं ये, ठीक है, तो ये बीड़ियां हैं। तो फैटर मीन्स बीड़ियां लगाना या फिर रोक लगाना, ठीक है। अच्छा, रेस्टोर का मतलब क्या होता है? वापस उसी स्थिति में लाना, वापस उसी स्थिति में लाना, है ना। कहते हैं ना, फोन को रिस्टोर कर लो, जैसा नया आया था वैसा ही हो जाएगा, है ना, वापस उसी स्थिति में लाना, ठीक। अच्छा, लिबरेट का मतलब होता है आजाद करना, आजाद करना, है ना। और हम बोलते हैं, हमको तो लिबर्टी चाहिए, लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? आजादी, ठीक है, आजादी, ठीक है, लिबर्टी चाहिए हमें, आजादी, ठीक है। तो अब एग्जोनरेट का मतलब क्या होता है? एग्जोनरेट का मतलब होता है दोष मुक्त करना, है ना, किसी को दोष मुक्त करना, है ना, दोष मुक्त करना। जैसे कोई अगर बोलते हैं कि किसी को ब्लेम कर दिया हो, तो है ना, किसी को ब्लेम कर दिया है, ब्लेम किया हो उसे, है ना। और फॉर्मली मतलब कोई अगर ऐसे मान लीजिए कोई रेस्पॉन्सिबल था कोई चीज के लिए, उस पर कोई ब्लेम लग गया आरोप, है ना, तो उसको दोष मुक्त करेंगे, तो उसको बोलेंगे एग्जोनरेट। अच्छा, एग्स का मतलब होता है फ्रॉम, है ना। ऑनस, ऑनस का मतलब होता है बर्डन, है ना, बर्डन, बर्डन मीन्स बोझ, है ना, तो बोझ से फ्री कर देना, है ना। तो मतलब एग्जोनरेट का मतलब होता है बोझ से फ्री कर देना, किसी दोष मुक्त, किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री कर देना। और डिस्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है ध्यान भटकाना, ध्यान भटकाना, ठीक है, भटकाना, है ना, डिस्ट्रैक्ट, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिबरेट। लिबरेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, लिबरेट। लेट मी चेंज द पेन कलर, यस, लिबरेट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि इसका मतलब होता है बीड़ियां डालना, इसका मतलब होता है स्वतंत्र करना, तो इसका ये अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वर्ड की ओर। हारमोनी, हारमोनी का मतलब क्या होता है? हारमोनी का मतलब होता है सामंजस्य या तालमेल, ठीक है, तालमेल बैठाना, है ना, हारमोनी के साथ रहना, तालमेल के साथ, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा ना करना, है ना। तो इसका हमें अपोजिट देखना है, ठीक है। तो स्ट्राइफ का मतलब होता है विवाद, है ना, या फिर झगड़ा दो लोगों के बीच, दो ग्रुप्स के बीच, है ना, दो दो लोग या फिर या ग्रुप्स मतलब समूह के बीच, समूह के बीच, ठीक है, वो जो झगड़ा होता है वो, ठीक है। अच्छा, एनोएंस का मतलब होता है कि मतलब किसी को परेशान करना, है ना, परेशान करना, नाराज कर देना, है ना। और क्रूअल्टी का मतलब होता है क्रूरता, क्रूरता, ठीक है। अगर कोई क्रूर है, मतलब निर्दयी है, तो उसको बोलेंगे हम क्रूअल, ठीक है। और अनोय, अगर इसका हम अगर वर्ब देखते हैं, अनोय, अनोय मीन्स परेशान करना, है ना, मैं चेंज कर लूँ, यस, परेशान करना, परेशान करना, ठीक है। और मिस्चीफ का मतलब होता है नटखट, है ना, मिस्चीफ मतलब नटखटपन, नटखटपन, बच्चों के लिए लगाया जाता है ये नटखटपन, ठीक है, शरारती, शरारत, ठीक है। अगर कोई बच्चा नटखट है काफी, है ना, नटखट, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मिस्चीवियस। क्या बोलेंगे? मिस्चीवियस, मिस्चीवियस, ठीक है, MVIOUS, ठीक है, मिस्चीवियस। तो स्ट्राइफ का मतलब हो जाएगा कि विवाद या झगड़ा, तो हारमोनी का मतलब तो तालमेल बैठाना था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा स्ट्राइफ, ठीक।
चलिए, और एनोय का मतलब होता है कोई भी चीज़ अगर हमें जब तक अच्छी लगती है तब तक तो वो एकदम प्लीजेंट है, अगर वो नहीं अच्छी लगती तो वो एकदम अनोयंस हो जाती है, मतलब अनोय करने लग जाती है, हमें परेशान करने लग जाती है। ठीक है, तो उसका एक एग्जाम्पल देखिए ये। आई होप कि समझ आ गया होगा, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो ये कंसिलिएशन, हमने एक बोला था रिकंसिलिएशन है ना, और ये है कंसिलिएशन, तो इनमें डिफरेंस क्या है? पहले हम यहाँ लिख लेते हैं रिकंसिलिएशन, रिकंसिलिएशन है ना, और ये है कंसिलिएशन। ठीक है, कंसिलिएशन को अगर हम यहाँ लिखें तो कंसिलिएशन। ठीक है, तो अब इन दोनों का मतलब देखते हैं। रिकंसिलिएशन का मतलब होता है कि झगड़ा हो गया, झगड़ा होने के बाद अब हम सुलह करना, वापस सुलह करना, वापस सुलह करना है ना, करना मतलब वापस फ्रेंड बनना है ना, बी फ्रेंड्स अगेन, बी फ्रेंड्स अगेन। और कंसिलिएशन का मतलब होता है केवल सुलह कर देना, बस सुलह करना, कोई भी झगड़ा हो रहा है बस उसको शांत कर देना, सुलह कर देना। ठीक है, अब ये नहीं पता वो पहले फ्रेंड्स थे या क्या थे। और रिकंसिलिएशन का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कोई दो फ्रेंड्स थे, उनके उनमें झगड़ा हो गया तो एकदम सुलह करेंगे वो लोग, तो वापस फ्रेंड बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन कंसिलिएशन में केवल सुलह कर दीजिए, नॉर्मली अगर झगड़ा हुआ है तो उसको सुलझा दीजिए बस। ठीक है, चलिए, तो डिस्प्यूट का मतलब भी होता है विवाद, विवाद या फिर झगड़ा। ठीक है, झगड़ा। और इरिटेशन का मतलब होता है कि किसी को इरिटेशन हो रही है, बहुत गुस्सा आ रही है, गुस्सा समझ लीजिए, गुस्सा है ना, चिड़चिड़ापन हो रहा है किसी को है ना, चिड़चिड़ापन। कैसा? कि मान लीजिए कोई भी बात है, या फिर एक और होता है जलन, अगर आपके शरीर में कहीं पे मतलब अगर जलन हो रही है ना, वो वाली जलन नहीं कि आप किसी से जल रहे हो, किसी की मतलब प्रोग्रेस देख के, वो वाली जलन नहीं, अगर हमारे शरीर में कहीं पे जलन हो रही है कि इरिटेशन हो रही है, जैसे इरिटेशन होती है स्किन में किसी किसी के वो चीज़। ठीक है, तो और वैसे भी लोग बोलते हैं कि अगर कोई ज़्यादा बार बार कोई चीज़ रिपीट कर रहा है तो कि मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है। ठीक है, सेपरेशन का मतलब होगा अलग करने की प्रक्रिया, अलग करने की प्रक्रिया। ठीक, अच्छा, और कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है आमना सामना करना, आमना सामना है ना। तो अच्छा, अगर हम सुलह करा रहे हैं तो सुलह का उल्टा तो ये हुआ कि वो दोबारा आमना सामना हुआ उनका है ना, या फिर मतलब लड़ाई हुई है ना, कन्फ्रंटेशन, दोनों आमने सामने आ गए, तो सुलह का ये तो बिल्कुल अपोजिट हो गया ना, सुलह का ये तो बिल्कुल अपोजिट हो गया, तो फिर करेक्ट इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी है ना, कन्फ्रंटेशन का ये अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, कंसिलिएशन का हमने देख लिया, डिस्प्यूट देख लिया, इरिटेशन देख लिया है ना, और सेपरेशन देख लिया। चलिए आगे बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की, एग्जाम्पल्स देखते हैं। वी शुड लिव टुगेदर इन परफेक्ट हारमोनी, हमें साथ रहना चाहिए संपूर्ण तालमेल और सामंजस्य के साथ, मतलब आराम से अच्छे से रहना चाहिए है ना। दूसरा है हमारा दे आस्ट फॉर कंसिलिएशन सर्विस टू सेटल द डिस्प्यूट, झगड़े को सुलझाने के लिए उन्होंने डिमांड करी, आस्ट फॉर मीन्स डिमांड करना, कंसिलिएशन सर्विस मतलब सुलह करने वाली कोई सेवा हो, मतलब कोई भी लोग हो तो उन्हें बुलाओ है ना, सुलह करने वालों को। ठीक है, कंसिलिएशन सर्विस। अच्छा, अगला है आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस, अपनी खुद की बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, बिकॉज आई फील फैटर्ड बाई दिस 9 to 5 जॉब, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं मुझ में मेरे में बंदे से लग गई है, मतलब रोक लग रही है मुझे अंदर से, मतलब मेंटली मुझे लग रहा है कि रोक लग रही है 9 to 5 जॉब की वजह से, मतलब मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, बंदे से ऐसी लगी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब सिनोनिम्स की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब होता है कोई चीज़ निरस्त कर देना है ना, चाहे कोई लॉ हो या फिर एग्रीमेंट हो। ठीक है, एग्रीमेंट, ठीक है, उसको खत्म कर देना। ठीक है, अब रिपील का मतलब भी यही होता है ना, एंड एन आर्ग्यूमेंट है ना, आर्ग्यूमेंट या फिर लॉ है ना, तो फिर वो वैलिड नहीं रहता, फिर वो वैलिड नहीं रहेगा, वैलिड नहीं रहेगा, अगर कोई किसी लॉ को रिपील कर दिया गया है तो वो वैलिड नहीं रहेगा है ना। एब्रोगेट का भी मतलब यही होता है, तो सिनोनिम तो इसका ये हो जाएगा रिपील। अच्छा, ये चीजें क्या है ये, तो सबसे पहले देखते हैं हम डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना,
नष्ट करना कोई भी चीज है ना, थिंग, अगर किसी चीज को हम नष्ट करेंगे तो हम उसको यूज नहीं कर सकते। अच्छा, नष्ट करने से याद आया कि अगर हम किसी एनिमल के लिए लगाएं, एनिमल के लिए है ना, जैसे डॉग, कैट, किसी के लिए भी लगाएं ना, तो उसका मतलब होता है किसी इंसान, अगर हम किसी जानवर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो इसका मतलब उसके उसमें ऐसी प्रॉब्लम है, वो सही नहीं हो सकता, तो उसे मार देना है ना, कोई बीमार है और उसको मार देना, तो डिस्ट्रॉय। जैसे वी नीड टू डिस्ट्रॉय दिस कैट, मतलब इसको अब हमें, मतलब इस कैट को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो अभी जिंदा नहीं रह सकती है ना, अगर उसे प्रॉब्लम है, वो सही नहीं हो सकती, तो उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, ठीक है। और डिले का मतलब होता है देर करना, है ना, देर करना है ना, या फिर देर करवाना, देर करवाना, ठीक है। अच्छा, डिसमिस का मतलब होता है खारिज करना, खारिज करना, खारिज करना। अच्छा, एक चीज और देखते हैं यहाँ पे, ठीक, और डिसमिस हम देख रहे थे, डिसमिस, डिसमिस का अगर हम जॉब से लेते हैं है ना, तो जॉब से निकाल देना है ना, नौकरी से निकाल देना, नौकरी से निकाल देना है ना। अगर हम इसको क्लास की तरह लेते हैं, क्लास के मतलब अगर कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, तो इसका मतलब होता है जाने देना, जाने देना, या फिर छुट्टी देना, छुट्टी देना। अगर हम किसी केस के बारे में बात करें है ना, तो केस, केस को डिसमिस करना, मतलब खत्म, केस को बंद कर देना है ना, केस इज डिसमिस्ड, वो केस बिल्कुल बंद हो गया है, क्लोज हो गया है, ठीक है। तो केस की अगर उसमें बात करेंगे तो केस बंद कर देना, और क्लास के बारे में बात करेंगे तो स्टूडेंट्स को जाने देना या छुट्टी देना, अगर हम जॉब के बारे में बात करेंगे तो नौकरी से निकाल देना है ना। हाँ, तो नौकरी से अगर निकाल दिया गया तो उसका डिसमिशल हो गया है ना, डिसमिशल। अच्छा, और ये तो वर्ब है हमारी, ठीक है, ये वर्ब की हमने बताई थी, और ये हो जाएगा नाउन। अच्छा, एक और होता है फायर है ना, फायर जॉब से निकाल देना, एक और होता है सैक, ये भी होते हैं, ठीक है, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंट्रिपिड, इंट्रिपिड का मतलब होता है संकट और भय से रहित, मतलब निडर, एकदम उसे डर नहीं लगता, एकदम फियरलेस। इसका करेक्ट आंसर तो ये हो जाएगा फियरलेस, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फियरलेस, ठीक है। तो अब ये तीन देखते हैं, एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षी मतलब जिसको, जिसमें, जिसके अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं है ना, कि वो सक्सेस होना चाह रहा है ना, या फिर पावर में आना चाह रहा है, तो उसकी इच्छाएं है ना। और डिटरमाइंड, अगर कोई एम्बिशियस है तो उसको डिटरमाइंड रहना चाहिए, रहना पड़ेगा अपने गोल के प्रति है ना, तो मतलब दृढ़ निश्चय है ना, दृढ़ निश्चय। अगर इसने, अगर किसी की कोई एम्बिशंस हैं, हम यहाँ पे एम्बिशंस की और बात कर लेते हैं, आकांक्षाएं है ना, इच्छाएं, आकांक्षाएं, ठीक है, आकांक्षा, अर्थात हमारी कोई इच्छा है सक्सेस होने की, तो उनको एम्बिशन, अगर वो रखने वाला अगर कोई होगा तो एम्बिशियस, ठीक है। तो डिटरमाइंड रहना पड़ेगा, दृढ़ निश्चय एकदम रहना पड़ेगा हमें, ठीक है। टॉकेटिव होते हैं, क्योंकि उस लोग होते हैं जिनकी आकांक्षाएं होती हैं बहुत है ना, डिटरमाइंड नहीं होते तो, और वो बातें बहुत बनाते हैं, तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं टॉकेटिव है ना, बातूनी, बातूनी। अच्छा, अगर हम इसका उल्टा बात करें, कि मतलब जो बात नहीं करता हो एकदम, किसी से भी बात ना करता हो, उसको बोलते हैं टैकिटर्न, टैकिटर्न, ठीक है, वो कम बोलने वाला है ना, कम बोलने वाला है ना ये। और फियरलेस का मतलब तो होता है ये निडर, ठीक। चलिए आगे बात कर लेते हैं, ग्रैंड्योर, ग्रैंड्योर का मतलब होता है भव्यता या महिमा, और एक और इसका मतलब होता है कि बड़प्पन का एहसास होना है ना, किसी को मतलब ऐसा लगता है कि अगर किसी को डिल्यूजन होते हैं बहुत सारे, कि मतलब अगर मेरे बिना कुछ नहीं होगा, अपने आप को वो इम्पोर्टेंट समझता है, सबसे, मैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ कहीं पे, बेशक वो हो ना है ना, तो उसको भी हम ग्रैंड्योर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, मैग्निफिशेंस का मतलब होता है कि कोई चीज आकर्षक, आकर्षक, आकर्षक हो बहुत ज्यादा, या फिर भव्य हो है ना, तो उसके लिए बोलते हैं मैग्निफिशेंस, ठीक। अच्छा, एडमिरेशन की मतलब, का मतलब होता है सराहना
है ना, सराहना मतलब किसकी प्रशंसा, ठीक, हैप्पीनेस का मतलब तो खुशी होता ही है ना, हाँ खुशी। अच्छा ओ का मतलब होता है कि आदर के साथ साथ, आदर के साथ थोड़ा डर। अगर मान लीजिए अगर आपके सामने कोई, अगर आपके पिताजी आ जाएं और मतलब काफी गेस्ट्स हैं, तो आपको पिताजी से, पिताजी की रेस्पेक्ट भी करनी है, थोड़ा सा डर भी रहेगा, है ना। तो उसके लिए एग्जाम्पल हम आगे देखते हैं, ये एग्जाम्पल देखिए। दो बदन हो जुदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। तो ये आपने देखा एग्जाम्पल कि इसमें मतलब कैसे अरिजीत सिंह के प्रति मतलब उसको रेस्पेक्ट भी थी, थोड़ा सा डर भी था क्योंकि के वो आ गए हैं और मैं अभी गा रहा हूँ, तो मतलब आप समझ गए होंगे। ओ का मतलब होता है कि मतलब किसी के प्रति आदर भी है और थोड़ा सा डर भी रहता है कि मतलब हाँ वो पावरफुल है ना, ऐसे। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं, चलिए। आई लव द ग्रैंडियर, ग्रैंडियर का मतलब भव्यता है ना, भव्यता। हम देखेंगे हिमालयस की जो भव्यता है वो मुझे बहुत पसंद है ना। इन माई टीम, दूसरा है, इन माई टीम में, अपनी टीम में आई नीड इंट्रेपिड, इंट्रेपिड मतलब निडर, निडर ठीक है, निडर और कॉन्फिडेंट मतलब आत्मविश्वासी, ठीक है, आत्मविश्वासी प्लेयर चाहिए एकदम मुझे मेरी टीम में, ठीक है। तीसरा देखते हैं, दे वॉन्ट ऑल द अननेसेसरी लॉस टू बी एब्रोगेटेड या फिर रिपील्ड, है ना, रिपील मतलब वो चाहते हैं कि सारे अननेसेसरी लॉस खत्म हो जाए, है ना। चलिए अब देख लेते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। ओनली वन जो हम करते हैं, काउच पटेटो। काउच पटेटो का मतलब होता है एक आलसी व्यक्ति। देखो ये आलू है, पटेटो, और ये है काउच, है ना। तो काउच पे बैठा हुआ पटेटो मतलब एकदम आलसी, देखो इसका फेस देखो आलसी है ना। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, बन्नी यू डोंट डू एनीथिंग, तुम कुछ नहीं करते हो, सो तो मैं बोलूंगा आई विल कॉल यू अ काउच पटेटो, तो मैं एकदम तुम्हें बोलूंगा काउच पटेटो। और ऐसे इंसान का रहना ही बेकार है, उसको तो चले ही जाना चाहिए, और ये चले भी गए। चलिए हम भी चलते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो एग्जामिनर टीम सर्च कीजिए, और अगर आपको वो कैब्स चाहिए एग्जाम से रिलेटेड, और इसमें क्विज भी पड़ी है यहाँ पे एग्जामिनर, यहाँ पे सर्च कीजिए इंस्टाग्राम पे वोकैबलीज, और इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, एग्जामिनर सर्च कर लीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो एग्जामिनर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, पढ़ते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।